बॉयज एंड गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम। तो तुम्हारा कंसिस्टेंट मैं बोल सकता हूँ, 3 दिन हो गए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कंसिस्टेंट ही हुआ ना। तो आज सीन कुछ ये है कि आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो के ऊपर। तो हमारे पे दोबारा से रोस्ट हो गया है भाई। तो भाई ये बंदा है जिसने हमारे पे रोस्ट किया है और काफ़ी अच्छा रोस्ट बनाया है उसने मेरे ऊपर। मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा कर पाएगा, बट काफ़ी मतलब इसने बहुत अच्छा बना लिया है। तो अभी सीन ये है कि आज हम लोग इसका ये जो रोस्ट है इसका रोस्ट देखें। एक रोस्ट बना इसका, मैंने इसको खुद ही बोला था कि भाई मेरे पे रोस्ट बनाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। क्यों बनता है रोस्ट, तुम लोगों को भी पता है, फेम हासिल करने के लिए सब कुछ एक ही सीन होता है ये। तो बहरहाल अभी डायरेक्ट इसमें जाते हैं हम लोग। इस बंदे के व्यूज़ कम है, चैनल मोनेटाइज है इसका, तो बस तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको जाके सब्सक्राइब करो। थोड़ी सी मेहनत कर रहा है बंदा, ठीक है, और इसकी गलतियाँ इसको बताओ कि ये क्या क्या गलतियाँ करते हैं। जैसे इसकी ये वीडियो की फ्रेम रेट की गलती है, ये इसकी मतलब देखो पूरी नहीं आती है स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। तो बस इसको थोड़ा सा बोलो कि ये थोड़ा सा चेंजिंग करे, बाकी वीडियो काफ़ी अच्छी बनाई है। हमारा पे सर हमारी औकात नहीं यार, तू बना ना यार, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, बना तू। चलो भाई वैसे तो मैं किसी को उंगली नहीं करता। साउंड इफेक्ट चेक कर रहे हो बंदे के, साउंड इफेक्ट देखो बस। हाँ भाई बहुतों को की है, बहुतों से पंगे लिए हैं, मगर पहला बंदा मिला जो खुद कहता है मुझे रोस्ट करो। तो फिर शुरू करें? नहीं, डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, डोंट स्प्रेड हेट और डीफेम बिकॉज़ आई एम आल्सो द फैन ऑफ रैबिट बाय। अच्छा जो ये काम होता है ना, ये यूट्यूबर्स का सबसे पहला काम होता है कि बंदे की बीच में बजानी है और मेरे को डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई मैं इसको हेट नहीं करता, मैं इसको वो नहीं करता, ये नहीं करता, बस मैं इसको रोस्ट कर रहा हूँ, तो इसको एज अ फनी वे में लेना। तो लो चल झूठा। दोस्तों पहले तो चीज के सेल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, वो है ब्लॉगर है, रोस्टर है, मीमर है, टेक रिव्यूअर है, एक्टर है, स्ट्रीमर है, यानी कि इसे अपने चैनल को फ्रूट चाट ही समझा। यानी मतलब लोगों को ना पता नहीं क्या चूल है भाई, भाई मेरा चैनल मेरी मर्जी, मेरा चैनल है क्या? उधर शामिर को नहीं देख रहे लोग, शामिर अपने चैनल पे गाने अपलोड कर रहा है, गाने मतलब सॉन्ग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने चैनल पे सब चीजें अपलोड कर रहा है, डांस भी कर रहा है, प्रैंक्स भी बना रहा है, रोस्टिंग भी कर रहा है, उसको नहीं देखेंगे, छोटे यूट्यूबर्स को देखेंगे ये लोग। कोई भी फ्रूट डालो बस चल जाएगा, ये बंदा टिकटॉक को रोस्ट करेगा और बाद में टिकटॉक पर ही अपने जलवे दिखाएगा। दे यार ये कहां से आ गया, टट्टी है बाकी टट्टी है। भाई मैंने तुम लोगों को बताया है कि मैंने एक अरसा पहले टिकटॉक यूज किए, ना मेरे फोन में, ना मेरे पीसी में टिकटॉक, ना मैं देखता हूँ, मतलब एक टाइम हो गया बंदे को यूज करे हुए, अब वो मतलब यूज नहीं करता है। वो पुरानी वीडियोस तो पड़ी हुई है, मैंने ये डिलीट करनी थी, उसको पता नहीं कहाँ से मिल गई यार। वैसे मैंने बहुत भिखारी देखे ये कमेंट लाइक वाले, लेकिन भाई का तो अलग ही स्वैग है, भाई लोग तो अपनी वीडियोस के नीचे भी खुद ही कमेंट करते हैं। भाई ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, उसको मैंने अपना अकाउंट खोल के दिया हुआ है, समझा, हर बात में मतलब हर चीज में खादे यार, क्या मतलब है दुनिया का। मैंने इसके टिकटॉक अकाउंट खोलने की गलती कर ली, लेकिन मैंने देखा है वहाँ पे 40 वीडियोस, उसमें से 5 वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे चीसी चीसी बच्चों के साथ ड्यूट मारा हुआ है। अरे हरामी हो बेटा। तो भाई कहते हैं कि टिकटॉक नंगा नाच रहे जाते हैं, तो भाई आप क्या कर रहे हो। फिर मैंने इनकी एक वीडियो देखी, अम्मा कसम एलेक्स भट्टी के लिए एक अलग दिल में मकाम बन गया और इज्जत इनटू 100 हो। नहीं अब्बू बना लेना एलेक्स भट्टी को, तू इज्जत तू 100 हो गई है, तो मतलब अब्बू बना लो तुम उसको। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह ये देखो वीडियो तो सही से अपलोड कर लो, चल नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हंसी नहीं आई क्योंकि ये मैं ही हूँ, ठीक है, और ये मुझे एक तरीके से मैंने ये फेसबुक की वीडियो इसने फेसबुक से निकाली है और फेसबुक पे मैंने चैलेंज किया था कि भाई 2000 कमेंट कर दो तो फिर मैं इसके ऊपर इस तरीके से बना के दूंगा, बस दैट्स इट। मतलब हर चीज को टिकटॉक में घुसाना है इन्होंने। जब आपको
गुस्सा आ जाए तो बस लड़की को पीट दो, फिर कहते हैं टिकटॉक वाले हैरेसमेंट। अबे लड़की ने पीटा है। प्रमोट कर रहे हैं। वाह बड़ी बात। पहले कह रही थी कि शामिल बहुत अच्छा है। अच्छा जहाँ तक बात आती है इसकी शक्ल की, तो उसकी शक्ल ऐसी कि जैसे हाफ डन टट्टी हो, हाफ डन टट्टी। हाँ भाई शामिर की इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। ये कहाँ से आ गई वीडियो? और फिर दूसरी ही वीडियो में उसको रोस्ट करेगा, जबरदस्त हो गया। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक सेक्सी छमिया की, जिसने अपने वीडियोस में इंतहाई ठंडा और चुसिया कंटेंट अपलोड करने की नाकाम कोशिशें की हैं। ऐसे जकी को भी रोस्ट किया है और उस रोस्ट में बोला है कि नासिर खान जान, नुमान खान जान, दिनचर पूजा, दीपक कलाल जैसे कुछ डकी व्यूज के लिए यूज करता है, लेकिन मैंने इनके चैनल पे देखा तो ये सारे वीडियोस भाई तो आपके चैनल पे भी है। बाकी सब ठीक है, जो इसकी जो साउंड इफेक्ट्स है ना ये आउट लेवल है। ये वाइज बंदा है जिसकी हर वीडियो में यही रोना होता है कि योर कंसिस्टेंट यूट्यूबर इज बैक। और फिर यार इसके लिए मैं बोल चुका हूँ ना सॉरी भाई, क्या मकसद है, मैं जब गायब होता हूँ तो फिर हफ्तों के लिए होता हूँ, फिर जब आता हूँ तो फिर वीडियोज आने लग जाते हैं, जैसे कि यार ये अभी आज आ जाएगी, ये कल आ जाएगी, या कभी भी आ जाएगी, मतलब आती रहेगी। अब एक एक मंथ गायब हो जाएगा। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। वो बंदे जो किराए का DSLR लेंगे और कहेंगे यार DSLR कहाँ से आ गया, शूटिंग इन कॉलेज में पहला दिन था कॉलेज के अंदर तो मैंने पिक्चर ले ली, और क्या हो सकता है इसके अलावा। ये मेरे अंकल ने ये लन से पूछा है। नहीं मतलब तुम ना झुकते तो ठीक मार लो यार, ये क्या कि किसी फसूल झुकते मार रहे हो यार, हद हो गई है वैसे। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। सॉरी आई एम लंदन से भेजा, जिसकी ये शूटिंग कर रहा था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान बात कर रहा हूँ, इस जगह हम कर ये एक अरसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब ये ऐसी बना ली थी मैंने यार, क्या है अगर यार गली के बच्चे तो देखो। रांची में खड़े हुए, औरंगी टाउन शहर में खड़े हुए किसी। ये वो बंदे हैं जो गाड़ियों का धुआं सूंघ ले तो फिर इनके ऊपर मौत वाजिब हो जाती है, मगर ये इतना वेला है, इसने मेरा इंस्टाग्राम के आखिरी फोटो तक गया है, ये देखो जरा। तस्वीर लगा कर बोलेंगे I am not a smoker. It's just for your flick. अच्छा सिगरेट में मुंह में ना रखे तो जैसे मियाँ ने तो इसको साफ इनकार कर देना, अगर ये सिगरेट मुंह में रखेगा तो मियाँ का या कि हवा उतारने का काम तो इसी को दे दिया जाएगा। ऐसे को मैं 2500 बार CBU पे जाऊँ। बंदा पिक्चर्स को क्यों रोस्ट करता है? मगर मेरी जमीन ने कभी मुझे ऐसी तस्वीर बनाने पे आमादा नहीं किया। भाई का कैप्शन है ये है कि Don't tell me guys I am a परफेक्ट। भाई आपका कैप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी सारी गलतियाँ सुधार दूंगा और उसके ऊपर पर्दा डाल दूंगा। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह होना चाहिए डोंट टेल मी गाइस आई एम छपरी। भाई ट्रेन पे फकीर की तरह खड़े होकर क्या शो कर रहे हो, और आपने अपनी हैशटैग लगाया हुआ हैशटैग पर्सनैलिटी, ये स्टाइल मैंने कहीं देखा देखा लगता है। ऐसी कंजरी की तरह लेट के आप क्या शो कर रहे हो? वैसे इस बंदे को मैंने रोस्ट करना था, ये जस्ट अ फैमिली फ्रेंडली रोस्ट है, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं कहना था, ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस था, और इसके वैसे रोस्ट की लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने तो इसको बस ऊपर ऊपर से रोस्ट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको आया है थोड़ा सा सुकून तो रैबिट भाई को भी सब्सक्राइब करें, मुझे भी सब्सक्राइब। ये इसने दिल पे पत्थर रख के बोला कि रैबिट भाई को सब्सक्राइब करें। और तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, ये बोलता कैसे मतलब इस तरीके से इसकी जुबान अटकती है इसकी ना, ये वो वाला अटकना नहीं है, ये जानबूझ के अटकता है ये। तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, शुक्रिया। और इसी तरह मैं हूँ शिराज नासिर, कैमरा मैन कोई भी शरीफ भाई उकड़। वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, भाई ने बहुत अच्छा रोस्ट किया है, ठीक है, और मतलब यार गुड हो गया जी, तुमने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी रिसर्च की है और मज़ा आया 4 मिनट की वीडियो के अंदर। तो बस मैं ये बोलूँगा तुम लोगों को जाके इसको भी सब्सक्राइब करो, शहरी भाई के नाम से चैनल है इसका, ये चैनल है इसका, और काफ़ी मतलब मेहनत कर रहा है बंदा, और बस मैं तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मुझे भी सब्सक्राइब करो, मैं भी हूँ यार, मैं भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ यूट्यूब पर, तो जल्दी से यार 3000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो हमारे, और बस वीडियो जैसी आती रहेंगी, और बस तुम लोगों से ऐसी
मुलाकात होती रहेगी। मेरा भी चैनल एक बार सही तरीके से देख लो, ये हमारा चैनल है, देख लो थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया मैंने इसको। तो फिर शुरुआत करने ब्लॉग्स वगैरह, ये नई वीडियो वगैरह आ गई हैं, तो चेक करना, जाके सारी वीडियोस चेक करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो, कौन सी वीडियो अच्छी लगती है, क्या क्या देखना चाहते हो। मैं इंशाल्लाह ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। तो मैं उसमें मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।